पाकिस्तान की साजिश को विफल करने के लिए भारतीय सेना सीमाओं पर तैनात है, तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो सीमाओं के साथ साथ लगने वाले गांव में VDC यानी विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर भी तैयार हैं, जिन्हें बचपन ना जा सके वापस। और आए दिन जैसे अभी हालात चल रहे हैं, मक्की का सीजन है, घास बेरा है, इस टाइम तो आगे निकालनी है और दाहिने वाला हाथ नीचे लगाना और नई पोजीशन तैयार करनी है, ठीक है। ये इस पोजीशन में क्या था कि जो बैरल टारगेट की सीध में होगी और बहने वाली टांग आपकी सीधी होगी, बाएं वाली टांग आपकी क्या है तिरछी रहेगी, ठीक है। तो आपको आदेश मिलेगा भर। सबसे पहले मैं आपको चेन लीवर के बारे में बताता हूँ। ये है चेन लीवर, इसकी तीन पोजीशन, ठीक है। बीच में आपने क्या करना है, ऐसे करके शिस्त लेते हुए फोर्थ एक्टिप को चंदी के ऊपर मिलाना है और सांस को रोकना है। जैसे ही आपने सांस रोका और आपकी टिप चंदी के ऊपर मिल गई तो धीरे से ट्रिगर प्रेस करना है। जब तक अच्छा बड़ी ब्रेकिंग खबर है कि सीमा पार से आने वाले आतंकियों को मारने की, अच्छा बड़ी ब्रेकिंग खबर है कि सीमा पार से आने वाले आतंकियों को मारने की। पाकिस्तान की साजिश को विफल करने के लिए भारतीय सेना सीमाओं पर तैनात है, तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो सीमाओं के साथ साथ लगने वाले गांव में VDC यानी विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर भी तैयार हैं, जिन्हें आजकल BDG के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि विलेज डिफेंस कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो जिसने आतंकियों से लोहा लिया है। विलेज डिफेंस कमेटी के हर मेंबर को भारतीय सेना जो है सीमावर्ती इलाके में गन चलाने के साथ साथ हथियार साफ करने की ट्रेनिंग, मोर्चा संभालने की ट्रेनिंग और आतंकियों से कैसे लोहा लिया जाता है, इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर को भारतीय सेना द्वारा सिखाई जा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके के नौशहरा गांव में विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर को जो है भारतीय सेना चौकस रहने के साथ साथ उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग जो है वो दे रही है। इतना ही नहीं, इनके साथ साथ वहाँ पर स्कूल के जो लड़कियां हैं उन्हें भी हथियार चलाने का प्रशिक्षण जो है वो भारतीय सेना द्वारा समय समय पर दिया जाता है, ताकि आने वाले समय में अगर कोई भी आतंकी सीमा से निकलकर गांव की तरफ आ पहुंचे तो उसका मुकाबला करने के लिए ये विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर तैयार रहते हैं। मैं आप 1990 के दशक में जब यहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ होती थी तो उस समय भी जो है विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबरों ने आतंकियों से लोहा लिया है और आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। हथियारों के साथ साथ इन्हें कई तरह का प्रशिक्षण जो है भारतीय सेना द्वारा दिया जाता है। आप देखें कि किस तरह भारतीय सेना विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स को जो है गन चलाने की ट्रेनिंग के साथ साथ कई तरह की और भी प्रशिक्षण जो है वो दे रही है। राजौरी से मैं अमित शर्मा। मेरा पिताजी मोती सिंह अंग्रेजी राज में ड्राइवर थे रेलगाड़ी के, ते उसके बाद 1947 में लड़ाई लगी और ये हथियार मिले उनको, एक एक ब्रिगेड कमांडर ने हथियार नाम का दिया। उसके बाद ये मेरे पास पिताजी 65 से पहले थोड़े गुजर गए थे, तो उसमें ये मेरे को मिला है, मेरे पास है, अभी मेरे नाम पर है। तो पिता के नाम का भी सर्टिफिकेट है। ये पठान मार के खदेड़े थे इधर ब्रिगेड नौशहरा के एरिए के में, तो उनको ये एक एक हथियार नाम दिया था। तो मैंने भी 71 की लड़ाई में और 65 की लड़ाई में भी मोर्चे खोले थे कलसियाँ तक भी, तो उसके बाद 71 की लड़ाई में जंग जवान था मैं, गड़ी में मतलब आर्मी के साथ में वॉलंटियर था 5 सिखलाई में, तो बहुत इस पहाड़ियों में पूरे मोर्चे भी खोदे और बहुत काम कराया। मनीषण टोया कंधे पर मशीन मनीषण टोया, उसमें कोई गाड़ी नहीं जाती थी, देखो बहुत देर की है। 71 की ट्रेनिंग है मेरे को, 71 की लड़ाई में वॉलंटियर था मैं फैल सिखलाई के साथ, तो इसके साथ मेरे को ये हथियार था, यही था मेरे पास। और नहीं मिला कि पिता का बहादुरी का हथियार ही था मेरे पास। तो मैं भी आर्मी के मैंने भी बहुत साथ दिया है, जहाँ से मिलीजन क्रॉस होते थे वो भी साथ दिया हुआ है बहुत आर्मी के साथ है, क्योंकि आर्मी थोड़ी वाकफ नहीं होती हमारे एरिए का, बहुत वाकफी है कहाँ से क्रॉस होते हैं। हमारे पास कुत्ते होते हैं, वो आते जाते बोलते हैं कुत्ते, तो हमें समझ लगती है कि ये कौन जा रहा है। तो उस टाइम आर्मी के साथ भी होकर के बहुत साथ आर्मी का दिया, हर टाइम तैयार हैं हम, हर टाइम तैयार रहते हैं। जिस टाइम कोई जाता है मैं इधर गड़ी के पास, इधर एक 3 मिलिटेंट आए थे
वो भी हमें रोके उधर, तो आर्मी के घेरा हो गया इतने टाइम, तो उनको पैर पूरी भी हमें करे, जख्मी हो गए, तो उस टाइम आर्मी भी आ गई, फिर रात को उधर रोक कर रखे, तो मैं सीसा के साथ कर्सियाँ चला गया, कर्सियों की चूंट के आदमी थे इधर, जवान थे, तो इसलिए हम हर टाइम तैयार रहते हैं। इस टाइम जो मिलिटेंट के जो होया इधर, मेरा नाम महेंद्र सूदन है, हम तहसील निशारा गांव लंबेड़ी के रहने वाले हैं, और आज जो इंडियन आर्मी की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है, ये समय समय पर इंडियन आर्मी हमेशा ट्रेनिंग VDG पहले थी ये VDC विलेज डिफेंस कमेटी, अब सरकार की तरफ से एक आदेश आया है जिसमें BDG विलेज डिफेंस गार्ड बनाया गया है, और इसमें हम इंडियन आर्मी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने समय समय पर इसकी ट्रेनिंग देते हैं और जो भी त्रुटियाँ होती हैं उसको पूरा करते हैं, क्योंकि कुछ लोग हमारे होते हैं जो सिविल लोग हैं वो जानकारी नहीं रखते, लेकिन उसकी भरपाई जो है वो हमें इंडियन आर्मी करती है, क्योंकि हमारा मिलिटेंसी का एरिया है, कभी भी दुश्मन आ सकता है, उसके लिए पूरी तैयार करते हैं इंडियन आर्मी, हमको तैयार करती है, सबको धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट का, और इसके साथ आपके सोशल मीडिया के माध्यम से ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट तक संदेश भी देना चाहते हैं कि जिस तरह पीछे गवर्नमेंट ने आर्डर निकाला था कि जो विलेज डिफेंस गार्ड बनाया गया है उसको एक तनख्वाह तो नहीं कह सकते लेकिन 4,000 रुपया मानदेय जो दिया जाएगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, उम्मीद है क्योंकि काफ़ी लोगों को उसकी उम्मीद जागी थी, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी वो सेंटर में बैठे हुए हैं, तो गृह मंत्री हमारे जो है राजनाथ सिंह जी जो हैं वो भी, अमित शाह जी जो हमारे बैठे हुए हैं, वो मुझे लगता है कि इस पर पूरा गौर करेंगे, माननीय स्टेट अध्यक्ष रविंद्र रैना जी भी इस पर गौर करेंगे, क्योंकि ये लोगों की बहुत बड़ी उम्मीद थी। सन 1962 से लेकर आज तक लोगों के पास ये जो सरकारी हथियार पड़े हैं इसकी पूरी व्यवस्था जो है देख रेख जो है ये स्थानीय लोगों के पास थी, और लोगों ने इसको आज तक बरकरार रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ हमारे गार्ड आए हुए हैं इसमें कोई भी एक भी राइफल ऐसी नहीं होगी जो फायर निकालती होगी। यहाँ से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करवाई जाती है तो क्या आप लोग तैयार हैं? उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जो हमारी विलेज डिफेंस कमेटी है पूरा जवाब देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी उसका, क्या उसकी पूरी तैयारी जो इंडियन आर्मी करवा रही है और पहले भी जो तैयार लोग हैं, कुछ आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं इसमें, तो उसकी पूरी तैयारी है हमारे पास। भारतीय सेना का क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार भारतीय सेना समय समय पर आप लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन एक सोशल मीडिया के माध्यम से हम भारतीय सेना से और हमारे प्रशासन से भी गुहार लगाना चाहते हैं कि जो हमारी जो राइफलें हैं जो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, तो हम चाहते हैं कि जो राइफलें हैं जो चेंज की जाए, कोई भी और राइफल दी जाए, और साथ में इसका जो हमारे पास इसके जो हथियार रखे हैं इसके पास जो मटेरियल है वो कम है, मटेरियल को बढ़ाया जाए ताकि जो समय पर हमें जरूरत पड़े उस मटेरियल की, तो हमारे पास उतनी व्यवस्था होनी चाहिए जरूरत मुताबिक।